हरियाणा के रेवाड़ी में बीच बाजार बदमाशों ने फलों की रेड़ी लगाने वाले एक व्यापारी पर कुल्हाड़ी और पिस्टल से हमला कर दिया। बदमाशों ने कुल्हाड़ी से उसके दोनों पैरों को बुरी तरह जख्मी कर दिया। इतना ही नहीं 37,000 रुपए से ज्यादा का कैश लूट लिया। सूत्रों के अनुसार मामला रेड़ी लगाने की रंजिश से जुड़ा है। सिटी पुलिस ने 7 नामजद सहित कई बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार रेवाड़ी शहर के मोहल्ला रामबास निवासी राजेंद्र ने नाईवाली चौक स्थित सब्जी मंडी में 3 रेड़ी लगवाई हुई है। मंगलवार की रात वह अपनी रेड़ी पर हिसाब करने के लिए पहुंचा था। तीनों रेड़ी से पैसे लेने के बाद वह पास में ही साई मेडिकल स्टोर के बाहर पैसे गिन रहा था। तभी मोहल्ला रामबास निवासी अगद उर्फ अभिषेक, विकास राम अवतार, विकास उर्फ विक्की, सैनी मोहल्ला निवासी रिंकू, खुशीराम उर्फ इल्लू हथियारों से लैस होकर पहुंचे। सबसे पहले बदमाश अगद ने उसकी नाक पर पिस्टल मारकर नीचे गिरा दिया। उसके बाद अन्य बदमाशों ने कुल्हाड़ी, रॉड और लाठी डंडों से उसके पैरों पर हमला करना शुरू कर दिया। बदमाशों ने इस कदर उस पर हमला किया, वह लहूलुहान होकर सड़क पर ही पड़ा रहा। वारदात के वक्त लोगों की काफी भीड़ भी जमा हो गई, लेकिन किसी ने राजेंद्र को छुड़ाने की कोशिश नहीं की। इस बीच राजेंद्र के कब्जे से बदमाश 37,270 रुपए की नकदी लूट ले गए। ये नकदी तीनों रेड़ी की सेल थी। वारदात के बाद राजेंद्र के परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे और उसे रात में ही ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे, लेकिन उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे रेफर कर दिया गया। बाद में परिजन उसे शहर के ही एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। सिटी पुलिस ने राजेंद्र के बयान पर बदमाशों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। मेरा नाम राजेंद्र साणी है जी। क्या कुछ हुआ आपके साथ? जो कल घटना घटी वो जी। कल जी, मैं सब्जी मंडी रेवाड़ी में रेडी लगाता हूँ। मैंने अपने जो लड़के मेरे पास काम करते हैं ना, उनसे हिसाब किताब पैसे लेके उनको तो मैंने गोदाम पे रेडी लेके भेज दिया। मैं साई मेडिकल स्टोर का के खड़ा होकर पैसे गिन रहा था। इतने में ये 5-7 लड़के हैं जिनका नाम, एक तो है अंगद, एक उसका भाई था मोनू, एक था रिंकू पुत्र नरेंद्र, एक था इल्लू पुत्र नरेंद्र, एक विक्रम सैनी था जी, एक था रामोतार सैनी 11 राम, एक विक्रम सैनी था है ना, विक्की था महावीर सैनी है। ये एकदम मेरे को बातें दिखाई दिए, मैं एकदम पलटा। मैंने सोचा कि इधर आ रहे, पता नहीं। जैसे मैं पैसे गिनने लगा, अंगद नाम का एक लड़का है सर, उसने मेरे उसके हाथ में पिस्टल वगैरह थी, उसने सीधी मेरे नाक पर बटन मारी उसकी। जैसे मैं नीचे पीछे मुड़कर देखने लगा, ये रिंकू सैनी है जी, नरेंद्र पुत्र, इसने मेरे पैर पे कुल्हाड़ी मारी सीधी। पैर पे कुल्हाड़ी टिकते ही मैं नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही इन्होंने क्या किया, इनके हाथ में राड डंडे लट्ठी थी, ये बेहिसाब मेरे मारने लग गए। इनमें मारते मारते कुछ जो ये मोनू नाम का एक लड़का है, अंगद का भाई है, ये कह रहे इसको मार दो, टंडा खत्म हो जाएगा, सिर दर्द खत्म हो जाएगी सारी। मेरे हाथ में दुकानदारी के पैसे थे, 3 रेडी के मेरा हिसाब था। जो लड़के मेरे को तुरंत 1-2 मिनट पहले पकड़ा के गए थे, मेरे हाथ में पैसे थे। जैसे ही मेरे साथ मारछेड़ हुई, मेरे पैसे नीचे गिरे, कुछ इन्होंने छीनने की कोशिश करी और भागते भागते कुछ भीड़, जैसे जैसे मेरे को लाठी डंडों से इन्होंने मारा, मेरा खूनम खान हो गया, मेरे नाक पे भी खून बहने लगे। तो पब्लिक भीड़ इकट्ठी होती देख के ये सारे आरोपी इधर उधर भाग गए और जो मेरे पैसे थे मेरे दुकानदारी के सारे उठा के ले गए। सर मैं 15 महीने से ये जो तत्व हैं सारे एक ही परिवार के सदस्य हैं, ये लगातार मेरे को परेशान कर रहे हैं। मैंने SP, DSP, IG, DIG और गृह मंत्री अनिल विज के पास कंप्लेंट डाली है। जो मैं कब गए थे, पहले ही मैं उनके पास पेश हुआ हूँ। जो मेरी इंक्वायरी के लिए उन्होंने बोला था, जो बावड़ में पेश हुआ परसों 21 तारीख को, इन लोगों से संबंधित इन्होंने मेरे को जान से मारने की पहले धमकी दी थी। अखबार में न्यूज भी आई थी, वो उसको तारीख भाई बता देगा किस तारीख को था वो। अब वो परसों में जब पेश हुआ तो इन्होंने, मैं वहाँ से DSP साहब था, नाम राजेश चेची था उनके पास मैं पेश हुआ। इनके परिवार के
सदस्य वहाँ पेश हुए, जैसे मैं वहाँ अपना जो भी सबूत वगैरह और जो मेरे जो जिन एप्लीकेशन में बार बार दे रहा था, मार पिटाई सर ये मेरे से आज रात को, तो पहले तो कोई वजह थी नहीं, परसों में जो वहाँ पेश हुआ हूँ ना, और जो डीएसपी साहब ने उन पर कार्रवाई करने का जो आश्वासन दिया मुझे भाई, इन पर कार्रवाई करी जाएगी, तो अपने बयान और सीसीटीवी फुटेज जो तेरे पास है वो इनको पकड़ा दे। इन्होंने रास्ते में, मैं वापसी जब वहाँ से बावड़ से मैं वापसी मार रहा था रास्ते में, तो रास्ते में इन्होंने मेरे को रोका बड़ी मुश्किल से। मैं, मेरी पत्नी, मेरा भाई वहाँ से जान बचा कर भागे घर आए हम। उस दिन शाम को 5 बजे पहुंचे थे। अब हम दूसरे दिन हम वहाँ पे पेश होने के लिए दोबारा बयान सीसीटीवी फुटेज देने वो जाने वाले थे, तो ये चाहते थे कि हम वहाँ सीसीटीवी फुटेज और बयान ना दे पाए। हाँ, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने रात को ही मेरे पैसे भी लूटे और मेरे साथ ये हरकतें की। अब कुछ दिन पहले भी इन्होंने सब कोर्ट में गवाही ना देने के ऊपर मेरे को, मेरी पत्नी को और मेरे को गाड़ी भी दी हुई थी सर इन्होंने, जिस पर वो एक अभिषेक और अभिषेक का साथी था सुंडा, वो सर मैंने FIR दर्ज करवा दिया, FIR का नाम था मेरे पास। अब मेरी मांग है सर, जो भी मेरे साथ दुर्घटना हुई है और मेरे जिन जिन व्यक्तियों को मैंने नाम दिए हुए हैं सर, किसी प्रशासनिक या राजनीतिक दबाव में आकर उनका नाम ना हटाया जाए। ये लगातार जो भी मैंने एप्लीकेशन नाम दिए हुए हैं ये सब दोषी हैं। मेरे पास इन लोगों के हर तरह के सबूत पेश हैं। मुझे और मेरे परिवार के लोगों को, इन सभी लोगों से जान का खतरा बना हुआ है लगातार, और मुझे मेरी जान माल की हिफाजत की जाए इन लोगों से। अब मेरे को नहीं पता मैं कब कल जिंदा रहूं या ना रहूं, मेरे परिवार कल जिंदा रहे ना रहे, इन लोगों का ये रवैया देखकर मुझे पता नहीं कल का सूरज मैं देखूं या ना देखूं। इन लोगों का व्यवहार नेचर ऐसा है। मैं प्रशासन से मांग करूँगा इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और मेरे परिवार को इन जान माल की रक्षा की जाए। गृह मंत्री से मैं बार बार अपील कर रहा हूँ कि मेरे इस विषय को गंभीरता से लिया जाए और मेरी सीसीटीवी फुटेज जो मैं पेश करूँगा उस पर गंभीरता से जांच करके उस दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। मेरा नाम सीमा सैनी है सर। सर जब मैं कल शाम को अपने घर पे थी, मेरे पास फोन आया मेरे पति का कि मुझे अंगद नाम ये लुई लुई 6-7 जने थे, इन्होंने मुझे मार दिया है और मेरे हाथ पैर तोड़ के पटक दिए हैं, आकर के मुझे डॉक्टर के ले जाइए। सर जब हम गए तो मेरे पति रोड पर पड़े हुए थे सर, जब हमने ऑटो किया और इनको हम ट्रामा सेंटर में लेके गए सर, और जहाँ इनका इलाज देखते हुए हमने देखा कि इनकी गंभीर हालत है, हम वहाँ ट्रामा सेंटर से ले जाते हुए हम यहाँ वीरेंद्र हॉस्पिटल में ले आए सर। इन लोगों ने बार बार हम पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की है सर। डेढ़ साल हो गए हमें परेशान होते हुए, डेढ़ सालों से ये हमारे ऊपर जानलेवा हमले कर रहे हैं। घर में उतर जाते लाठी डंडों के साथ मेरे घर में उतर आए हैं, उस चीज़ की मेरे पास फुटेज भी है। और सर मेरे पति को तो ये रास्ते में चक्कू लेके हर जगह घेर लेते हैं सर। अभी क्या हुआ जैसे अभी एडमिट है सर? अब इनको बहुत बुरी तरह मारा है। किस चीज से मारा है सर? रॉड से मारा है, लाठी डंडों से मारा है सर, पिस्टल से मारा है, नाक पे पिस्टल मारी गई, कुल्हाड़ी मारी है सर इनके पैरों में, टाके आए इनके पैरों में। क्या मांग करते हैं? और इनके पैसे लूट ले गए सर। सर मुझे इंसाफ चाहिए कि मेरे परिवार की इन लोगों से रक्षा की जाए और मेरा परिवार सुरक्षित रहे सर, और इनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी, और कोई भी एक भी मुजरिम बचना नहीं चाहिए सर। मेरी हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है सर, एक भी मुजरिम नहीं बचना चाहिए सर। जिन जिन्होंने इन पर वार किया सबके वो होने चाहिए सर। ये सब्जी मंडी में मैं राजेंद्र सुनो भगवान दास सैनी है मौला रामबास का, ये फ्रूट की रेडी लगाता है। जब ये मार्केट ऑफ हुई उस समय रेडी को क्लोज कराया था, उसी समय मुताबिक इसके जो बयान है कि 8-7 आदमी आए और उन्होंने लाठी डंडों से इसके पैरों पे हाथों पे चोट मारी, इसके अलावा इसके एक अंगद नाम का जो लड़का है उसने इसके मुंह पे पिस्टल का बट लगाया जिससे इसके चोट आई। सूचना पर पुलिस पहुंची, इसको हॉस्पिटलाइज करवाया और अब ये इलाज के लिए दाखिल है। और इसकी जो कंप्लेंट है, कंप्लेंट के बेस पे हमने जो सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग सेक्शन है उसके मुताबिक मुकदमा दर्ज किया है इसका। किस तरह का मामला है रंजीश का? रंजीश इनका, इनके जो मकान है, रिहायशी मकान है, वो साथ है, कंजेस्टेड जगह है, पहले भी इनके विवाद हुए हैं, तो पुलिस ने जैसे सूचना मिली उसके अकॉर्डिंग हमने कार्रवाई की हुई है। पहले भी जो अंगद है, मेन जो इसमें एक्यूज है, अंगद के खिलाफ पहले भी
एफआईआर लॉज है जिसमें हमने इसको अरेस्ट किया था। और अब ये अंगद है, उसका भाई मोनू, उसका पड़ोसी रिंकू, खुशीराम, विक्रम, रामोतार, विकास एलियस विक्की और चार पांच अन्य के खिलाफ ये अभियोग अंकित करवाए। इसमें असम्बल होकर झगड़ा करना 148-149 है, लूट के भी एलिगेशन लगाए हैं। पैसे जो दिन की सेल के जो पैसे थे वो पैसे भी लेकर गए हैं, 50-60 हज़ार रुपये का एलिगेशन है। तो उस सेक्शन का भी 379 भी हमने इसमें लॉज किया है। और इसके अलावा जो आर्म्स की है, जो भाई वेपन लगाया दिखाया, उसका भी सेक्शन लगाई हमने इसमें। इसमें गिरफ्तारी की जो मेन अक्यूज़ है, इसमें स्थिति जो स्पष्ट होगी, मेन अक्यूज़ है अंगद है, वो अभी गिरफ्त से बाहर है। इसके अलावा जो उसका भाई मोनू है और अन्य जो भी है, उनकी गिरफ्तारी प्रयास किए जा रहे हैं। ऑफिशियल अभी किसी गिरफ्तारी हुई नहीं है, इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन है। और उम्मीद है शाम तक हम इसमें जो भी सही स्थिति है वो स्पष्ट हो, उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करेंगे।